हेलो दोस्तों, इस वीडियो में ना मैं आपको पबजी मोबाइल की तीन ऐसी धांसू ट्रिक्स बताने वाला हूँ ना, जिसे देखकर आप भी बोलोगे भाई क्या लाजवाब ट्रिक्स बताए हो। चल दोस्तों सही सुना आपने, वैसे तो पबजी मोबाइल में बहुत सारे यार बोल सकते हैं ट्रिक्स है, लेकिन इन ट्रिक्स को देख के ना आप बोलोगे भाई कमाल हो गया यार, मज़ा आ गया देख के। जहाँ दोस्तों सही सुना आपने, और इन ट्रिक्स का यूज़ करके आप इजीली चिकन डिनर ले सकते हो, हर एक मैच को विन कर सकते हो अगर आप इन तीनों ट्रिक्स को जो है फॉलो करते हो। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा वीडियो में चलते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो यार इस वीडियो को लाइक मारना, ज्यादा नहीं सिर्फ 1000 लाइक का टारगेट है तो यार पूरा कर देना। दोस्तों आज की जो हमारी सबसे पहली ट्रिक है ना, ऐसे वाले घरों में है। दोस्तों जैसे कि आपको पता है ऐसे बिल्डिंग्स आपको बहुत जगह जो है पबजी मोबाइल में देखने को मिल जाते हैं। अगर मान लीजिए कि ऊपर वाले घर में बंदे जो है बैठे हैं, कैंप करके रखे हैं, तीन चार बंदे हैं और आप अकेले हो, उन्हें मारना चाहते हो, तो आप डायरेक्ट जो है जाते हो सीढ़ियों से, उन्हें जो है मारने की कोशिश करते हो, लेकिन तब तक क्या होता है वो आपको जो है इजिली मार देते हैं। यही आपके पास एक ऑप्शन होता है, यहीं से जाओगे आप मारने, तब तक वो मार देंगे। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, एक कमाल की सीक्रेट ट्रिक बताने वाला हूं, जिससे आप उनकी पूरी की पूरी स्क्वाड को खत्म कर दोगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। तो सबसे पहले पता क्या कह रहे हो, आप ऊपर जाओ। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आप ऊपर की तरफ जाओ और डायरेक्ट सामने भागते हुए ना यहाँ पे इस साइड आ जाओ। जहाँ दोस्तों यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि सामने के जो बंदे होते हैं वो ज़्यादातर ना अंदर की साइड होते हैं, इस वाले रूम में होते हैं, तो वहाँ पे जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको आ जाना है यहाँ पे बाहर के साइड। बाहर के साइड आने के बाद आपको यहाँ पे एक जंप लगाना है। जहाँ दोस्तों एक जंप लगाइए, उसके बाद इसके ऊपर आ जाओगे, फिर आपको सामने भागते हुए एक जंप लगाना है। यहाँ पे जंप लगा दोगे तो यहाँ पे आप ऊपर की तरफ आ जाओगे। उसके बाद आपको साइड में आना है। साइड में आके यहाँ पे एकदम पास आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे पिक एंड फायर का यूज करो, स्कोप करके इजीली जो है सारे के सारे बंदों को जो है खत्म कर दो। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी की पूरी स्क्वाड को आप खत्म कर दोगे। उन्हें जब तक पता चलेगा आप कहाँ से मार रहे हो, तब तक तो यार पूरी की पूरी उनकी स्क्वाड खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों एक बार ये ट्रिक जो है जरूर से जरूर ट्राई करना, बहुत ही ज्यादा जो है इंटरेस्टिंग ये ट्रिक मुझे लगी है अभी तक की। दोस्तों आज की जो हमारी दूसरी ट्रिक है ना, ये जो बड़े बड़े बिल्डिंग देख रहे हैं दोनों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पोचिंकी में है। यहाँ पे लोकेशन मैंने दिखा दिया, यहाँ पे ये दोनों बिल्डिंग है। इन बिल्डिंग की छत के ऊपर कैसे आप जा सकते हो? जहाँ दोस्तों जैसा कि आपको पता है, इनके छत के ऊपर जाने के लिए हमें कहीं पे भी कोई रास्ता नहीं मिलता, कोई सीढ़ी नहीं मिलता, लेकिन मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इनकी छत के ऊपर चले जाओगे। अगर यहाँ पे सर्कल बनेगा तो इजीली आप चिकन डिनर भी ले सकते हो। तो चलिए मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अंदर जाना है। जहाँ दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अंदर जा रहा हूँ। अंदर जाने के बाद यहाँ पे आपको तो पहली बात कई सारे जो है लूट वगैरह मिल लेते हैं, तो यहाँ पे आप लूट कर लीजिए। लूट करने के बाद दोस्तों आपको ये जो विंडो दिख रही है ना, आपको विंडो के पास आ जाना है। विंडो के पास आने के बाद दोस्तों ना आपको यहाँ पे साइड में होना है और एक जंप लगा के राइट साइड में जो है भागना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे बैठ जाना है, सॉरी यहाँ पे ये जो ऊपर दिख रहा है ना यहाँ पे जाना है। मैं चढ़ा नहीं था, मैंने सोचा चढ़ गया। यहाँ पे आप देख लीजिए हम चढ़ गए। उसके बाद यहाँ पे आपको बैठ जाना है। बैठने के बाद यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा सा आपको धीरे धीरे आगे की तरफ जाना है। यहाँ पे आप देख लीजिए, उसके बाद बाहर की तरफ आ जाओगे और यहाँ पे सामने की तरफ भाग के एक जंप लगा देनी। यहाँ पे आप आ जाओगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। अब यहाँ पे आने के बाद ना दोस्तों आपको जंप लगा के ऊपर चढ़ने की कोशिश करनी है। यहाँ पे ट्राई करते रहिए, पहली बार में नहीं होगा, दूसरे तीसरे बार में तो हो ही जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनली हम जो है इसके ऊपर आ चुके हैं। अब यहाँ पे कोई भी बंदा हमें जो है नहीं मार सकता। जी हाँ दोस्तों सही सुना आपने, इजीली आप यहां से सारे के सारे बंदों को किल कर सकते हो। यहां पे आप देख लीजिए, अगर कोई सामने वाले घर में है ना तो भी आप उसे मार सकते हो आसानी से स्कोप करके। या एकदम मतलब कि धांसू है ना यार, यहां से हर एक चीज़ आपको दिख रही है, पूरा पोचिंग ही दिखेगा। अगर आप स्नाइपिंग करना चाहते हैं तो यहां पे आके आसानी से स्नाइपिंग भी कर सकते हो। काफ़ी मस्त जगह है यार, एक बार ज़रूर ये ट्रिक जो है ट्राई करना। दोस्तों आज की जो हमारी लास्ट ट्रिक है ना, वो इस गाड़ी के लिए है। जहाँ दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको गाड़ी बहुत जगह जो है मिल जाती है। हाँ इसे हम ड्राइव नहीं कर सकते यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं, लेकिन इसमें मैं आपको एक कमाल की ट्रिक बताऊँगा, जिससे अगर मान लीजिए इस गाड़ी के आसपास सर्कल बनती है ना, तो इस गाड़ी के आप एकदम अंदर छिप जाओगे, कोई बंदा आपको देख नहीं पाएगा और आप इजीली जो है उस बंदे को मार सकते हो। जो भी बचा है ना इजीली आप उसे मार पाओगे, लेकिन वो बंदा आपको देख नहीं पाएगा कि आप कहां से मार रहे हो। तो सबसे पहले पता क्या करना है, आपको इस गाड़ी के ऊपर चले जाना है। यहां पे आप जैसा कि देख सकते हैं, उसके बाद आपको एक और जंप करके आपको इसके ऊपर आ जाना है। यहां पे एक बंदा आ गया है, तो ये बॉट है, वैसे अपना मिशन कर लेता हूं, इस गन से मुझे मारना है तो इसको खत्म। अबे रुक जा यार, तो फाइनली ये जो है गए। तो अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको जो है जंप करना है फिर से,
उसके बाद आपको एक और जंप करके ऊपर आना है, उसके बाद आपको एक और जंप करके यहाँ पे एकदम ऊपर आ जाना है। ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पे एक जो है देखोगे बहुत ही छोटा सा स्पेस दिखाई देगा, यहाँ पे आपको आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको पीछे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे बैठ जाना है। बैठ जाने के बाद आप देखोगे पूरी तरह से जो है आप गायब हो जाओगे। जहाँ दोस्तों यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं आपको पीछे से कोई बंदा नहीं देख सकता, ना ही सामने से देख सकता है। सामने से कोई बंदा अगर आता है तो यहाँ पे आप स्कोप करके ईजिली जो है उस बंदे को मार सकते हो, लेकिन दोस्तों आपको कोई बंदा नहीं मार सकता, ना पीछे से मार पाएगा, ना इस साइड से मार पाएगा और ना ही इस साइड से। सिर्फ आपके सामने एक ही खुली जगह है, ये सामने की तरफ। यहाँ से अगर कोई बंदा आता है तो ईजिली आप उसे मार सकते हो। वो बंदा जब तक देखेगा कि आप कहाँ से मार रहे हो तब तक तो आप उसका काम तमाम कर दोगे। तो ये ट्रिक एक बार जरूर ट्राई करना अगर आपको ये जो है गाड़ी मिलती है तो। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी सारी की सारी ट्रिक्स। आपको कैसी लगी, कौन सी ट्रिक सबसे ज़्यादा पसंद आई, प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको कौन सी ट्रिक पसंद आई। और अगर आप एक नए व्यूअर हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली ऐसे ही कमाल कमाल की वीडियो देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे गिवे भी आते हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।